Hello and very good morning to all. This is me, Rahul Bharadwaj and I welcome you all to Let's Crack UPSC CSE. So, guys, all of you are welcome to the class. Regarding the timing, actually, I informed uh, in the group uh, that uh, today the timing will be different. So, I hope I am audible. Igbar confirm kar that I am audible. <coughs> ऑडिबल ग्रेट सो लेट्स स्टार्ट एंड सी वट आर द इम्पॉर्टेंट टेक अवेज इकनॉमी से एक इम्पॉर्टेंट न्यूज है एयर इंडिया को शू किया है के एन एनर्जी ने वो हम करेंगे पहले हम साइंस एंड टेक्स से कुछ न्यूज़ हैं आपकी एनवायरमेंट से न्यूज़ हैं उन्हें कवर करेंगे देन वील मूव टू द इकनॉमी एज वेल फाइन सो वेरी गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन एंड बिफोर वी स्टार्ट मेक श्योर दैट यू फॉलो मी ऑन दिस लिंक टू गेट एक्सेस ऑफ ऑल द फ्री क्लासेस जैसे क्रैक प्रोल्स एमसी क्यू सीरीज़ की आपकी क्लासेस होती हैं जब भी क्लास होती है यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हैं और आई विल इन्फॉर्म मैं आपको इन्फॉर्म भी कर देता हूँ जो टेलीग्राम uh, ग्रुप है वहाँ पर uh, अपनी प्रपरेशन को अगर आप uh, एक फोकस्ड वे में ले जाना चाह रहे हैं फू आर लुकिंग फॉर अ वन पॉइंट सोल्यूशन है ना कि पूरी प्रपरेशन एक जगह पर आपकी हो सके अच्छे से तैयारी आप कर सकें डेफिनेटली यू कैन गो फॉर अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन कॉम्बो सब्सक्रिप्शन जहाँ पे जीएस ऑप्शनल है वहाँ पे अभी आपका हैवी डिस्काउंट है यू कैन गो फॉर दिस हैवी डिस्काउंट अवेल द डिस्काउंट ट्वेंटी सिक्स मे तक ही आपका बेनिफिट अवेलेबल है इसके अलावा आपके बैच कोर्स इंडिविजुअल एजुकेटर के जो भी कोर्सेज हैं सब कुछ आप एक्सेस कर सकते हो फोर इन वन ऑफर चल रहा है जहाँ पे ये सारी बुक्स आपकी अवेलेबल uh, हैं आपका सब्सक्रिप्शन नेक्स्ट ईयर प्रोलिम्स तक वैलिड रहेगा सब्सक्रिप्शन का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है यूज़ द कोड एंड आरबी लाइव use the code RB Live to get 10% off and personalized guidance. Similarly, you can opt. Similarly, you can opt for uh, iconic subscription. Okay, iconic ke liye bhi aap ja sakte ho with added benefits here. Uh, ये आपका batch है, इसपे भी आप जा सकते हो. Optional का आपका available है. Since all of you are here. एक आज आपका 11 uh, बजे test है, है ना, combat scholarship जो test होता है. तो उसका link आपको description box में दिया हुआ है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है चैट बॉक्स में भी होगा पिन किया हुआ कॉम्बैट के नाम से उस पर आप क्लिक कर लीजिए वो फ्री टेस्ट होता है हर संडे को एंड यूज़ द कोड आर बी लाइव टू अनलॉक दैट टेस्ट ओके उस टेस्ट को आप अनलॉक कर सकते हो बाई यूजिंग दिस कोड स्कॉलरशिप्स आप वहाँ पर जीत सकते हो अपनी परफॉर्मेंस को भी कंपेरिजन कर सकते हो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन की हमने बात की है आई विल शेयर द लिंक ऑफ दिस टेस्ट यहाँ पर भी मैं लिंक शेयर कर दूंगा या अभी आप मुश्किल से 10 सेकेंड आपको लगेगा यू कैन डेफिनेटली क्लिक ऑन दैट लिंक एंड गो फॉर दैट टेस्ट टुडे 11 ए एम पे वो टेस्ट रहेगा आपका हर संडे को ही होता है ये लोन का आपको लिंक दिया हुआ है साइंस एंड टेक्स स्टार्ट करेंगे तो आपको सभी को पता होगा मार्स पे लैंड कर गया है चाइना ओके एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है चाइना के स्पेस प्रोग्राम के लिए चाइना ऑलवेज वॉन्टेड टू तो बी स्पेस लीडर ओके स्पेस जो है आपका एरिया जो है वहाँ पर हमेशा से लीडरशिप लेना चाह रहा था और मार्स पे लैंड कर चुका है चाइना का स्पेस प्रोग्राम एंड व्हाट इज़ द नेम क्या हमें याद रखना है इसका नाम ध्यान रखना है ओके okay, वैसे हमने डिस्कस किया था जब ये मार्स की ऑर्बिट पे पहुंच गया था सक्सेसफुली और तब भी हमने डिस्कस किया था तियानवेन प्रोब इसका नाम है तियानवेन प्रोब जो मार्स पर भेजी जा रही है और ये जो पूरा आपका यू हैव दैट स्पेस जिसका नाम है तियान ओके okay? uh, चाइना के एक uh, जो गोड हैं ओके फायर गॉड है उनके नाम पे ये रखा हुआ है आपका फायर uh, गॉड के नाम पे आपका रखा है रोवर का नाम देखिए ये तो आपका तियान्वयन तो नाम हो गया है स्पेस क्राफ्ट का अब ये जो रोवर होता है रोवर क्या होता है एक तरह का व्हीकल होता है जैसे हम गाड़ी चलाते हैं ना आपकी कार है बाइक है रोड पे चलाने के लिए एक व्हीकल हो गया तो वैसे ही जो डिफरेंट प्लैनेट्स होते हैं वहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ व्हीकल्स की जरूरत होती है जो वहाँ पे उस ट्रेन पे चल सके पूरे उस पर इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं जो कि क्या करेंगे रिसर्च रिलेटेड इनपुट लेंगे इन्फॉर्मेशन लेंगे तो उसे हम कहते हैं रोवर तो ये चाइना का रोवर है और इसका नाम है जुरोंग ओके okay? जुरोंग हुरोंग जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है तो ये फर्स्ट मार्स रोवर है और ये आपका फायर गोड के नाम पे इन्होंने रखा है तियानवेन प्रॉब का ये पार्ट है ठीक है सक्सेसफुली लैंड कर गया है क्या इसका प्रॉपर वो ऑब्जेक्टिव है मार्स का जो स्पेस प्रोग्राम है इसका ऑब्जेक्टिव है कि वो देखेगा कि वहाँ पे लाइफ के साइन है या नहीं है एविडेंस ऑफ लाइफ को ऑब्जर्व किया जाएगा ओके okay? uh, मार्स की सरफेस को ऑब्जर्व किया जाएगा वहाँ की जियोलॉजी को वहाँ पे वाटर के uh, uh, क्या एंशियन टाइम में कभी वाटर वहाँ पे अवेलेबल था एट्सेट्रा एट्सेट्रा ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखी जा रही चाइना वुड बी दर्ड कंट्री टू ओके आफ्टर दैट सोवियत और यूनाइटेड स्टेट देखिए कई जगह पर चाइना को सेकेंड भी बताया जा रहा है वो भी सही है क्योंकि एक्चुअली uh, में जो सोवियत uh, यूनियन का जो प्रॉप था लैंड कर गया था कुछ सेकंड में ही डिसकनेक्ट हो गया था है ना तो उसको कई जगह पे सक्सेसफुल नहीं माना जाता है तो इंडीड चाइना यूएस के बाद में सेकंड जो है कंट्री बन गया है एक तरह से ओके okay? जो सक्सेसफुली यहाँ पे प्लेस किया है तो ये न्यूजैंड के नाम पूछे जा सकते हैं यूपीएससी में किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है अच्छा ये है किसका प्रॉब था जापान का है नासा का एक्सेट्रा क्लियर किससे रिलेटेड था तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिए नेक्स्ट है आई आई टी एम डेवलप्स द लेंसलेस कैमराज ये लेंसलेस कैमराज क्या होते हैं इसे एक बार देखते हैं या चाइना ने कोरोना से डील कर लिया है पूरा वर्ल्ड डेफिनेटली परेशान है बट चाइना हैज़ वेरी इन अ वेरी एफिशिएंट मैनर आई आई टी एम डेवलप्स एल्गोरिदम फॉर लेंसलेस कैमराज लेंसलेस कैमरा के लिए ये आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आई आई टी मद्रास है जिसने ये डेवलप किया है एल्गोरिदम देखिए लेंसलेस कैमराज क्या होते हैं जो कि लेंस की जगह आपका एक फ़िल्म को यूज़ कर रहे हैं है ना लेंसलेस लैस कैमराज और द डिजिटल ये भी डिजिटल कैमरा ही होते हैं एंड दैट कैन यूज़ फ़ोटो वीडियो इमेजेस विदाउट यूजिंग एनी लेंस लेंस की जगह ये क्या यूज़ कर रहे हैं परमिएबल फिल्म को यूज़ कर रहे हैं इंस्टीड ऑफ द लेंस और ये क्या करेगा ये प्रोजेक्ट करेगा इमेजेस ऑफ फोटोग्राफिक सब्जेक्ट एंड रिप्रोड्यूस द पिक्चर इमेजेस थ्रू डिजिटल प्रोसेसिंग तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया ये जो लेंसलेस कैमरा होगा ये जो पिक्चर्स आपकी ले रहा है उनको एक कोड फॉर्मेट में लेगा है ना कोडेड इमेज फॉर्मेट में ले रहा है अब ये जो जिस इमेज फॉर्मेट में ये कैमरा उसको ले रहा है वो क्या की जाएगी डिजिटल प्रोसेस की जाएगी है ना उनका रिकन्स्ट्रक्शन किया जाएगा तो वहाँ पर जिस एल्गोरिदम की ज़रूरत है फाइन उसको इन्होंने ये डेवलप किया हुआ है द कैप्चर्ड इमेज इज ए स्पार्स कोडेड इमेज विच कैन बी डी कोडेड कंप्यूटेशनली बाई यूजिंग द कंप्रेसिव सेंसिंग बेस्ड इमेज रिकन्स्ट्रक्शन तो इसके लिए इन्होंने डीप लर्निंग बेस्ड ओके डीप लर्निंग बेस्ड एल्गोरिज्म डेवलप किया है इसमें क्या होगा जैसा ये कह रहे हैं कि डीप लर्निंग जो अल्गोरिज्म है डीप लर्निंग क्या होता है इसे भी देख लीजिए डीप लर्निंग एल्गोरिज्म क्या करते हैं विच कैन टेक टेक इन एन इनपुट इमेज हो गया जैसे आपका ओके okay. और फिर उसको क्या कर सकते हैं एंड असाइन इम्पॉर्टेंस टू वेरियस एस्पेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स इन द इमेज ठीक है उसको रिकन्स्ट्रक्शन कर सकते हैं उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं किसी भी चीज़ से तो ये डीप लर्निंग एल्गोरिदम होते हैं फाइन और इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा किया जाता है जैसे uh, कई बार डायग्नोसिस के लिए भी किया जाता है आपने कोई पिक्चर लिया है फ़ोटो लिया है कोई भी सीटी स्कैन हो गया कुछ भी हो गया उस पिक्चर को आप दूसरे पिक्चर से कंपैरिजन कर रहे हो क्योंकि अगर हो सकता है ह्यूमन आइज उस एरिया उस नज़रिए से हम नहीं देख पाए तो कई बार क्या होता है डीप लर्निंग के थ्रू आप इमेजेस को बहुत ही डिटेल के अंदर एनालाइज कर सकते हो क्लियर तो उस कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है कई बार अर्ली डायग्नोसिस हम कर सकते हैं कोई भी जो डिजीज है उसका अर्ली डायग्नोसिस में भी ये हेल्प करता है डीप लर्निंग इसके एप्लीकेशन है इमेज वीडियो रिकॉग्निशन के अंदर ओके इमेज क्लासिफिकेशन में मेडिकल इमेज एनालिसिस में तो डीप लर्निंग के कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशन है ये भी पूछ सकता है लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो गया फाइनेंशियल एट्सेट्रा ओके नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग तो ये डीप लर्निंग जो एलगोरिदम है ये इन्होंने डेवलप किया आईआईटी मद्रास ने और ये क्या कह रहे हैं कि जो आ, आपके लेंसलेस कैमराज हैं ओके okay? तो कई बार क्या होता है जैसे आपकी ब्लर फोटो आ रही है ओके okay? एक तो उसका वेट भी कम करेंगे ब्लर फोटो आ रही है तो इस एल्गोरिदम के थ्रू आप उसका इमेज का रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हो जो ब्लर फोटो है वो बिल्कुल क्लियर आपको मिल सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस एल्गोरिदम्स जो कि डीप लर्निंग बेस्ड है ये डीप लर्निंग के ऊपर बेस्ड है तो ये इन्होंने डेवलप किया है लेंसलेस कैमराज के काफी सारे एप्लीकेशन है इन द सेक्टर्स इंक्लूडिंग ऑगमेंटेड रियालिटी वर्चुअल रियालिटी ठीक है सिक्योरिटी स्मार्ट वियरेबल्स जो आपकी स्मार्ट वियरेबल्स uh, होते हैं स्मार्ट वॉच हो गया एक्सेट्रा रोबोटिक्स हो गया ये इन सब जगह पे इसका यूज होता है तो इनको एफिशिएंट बनाया जा रहा है लेंसलेस uh, कैमरास को क्लियर इस डीप लर्निंग जो एल्गोरिदम है इसको इन्होंने नाम दे दिया फ्लैट नेट फ्लैट नेट नाम दे दिया इसी तरह से एक एल्गोरिदम डेवलप किया गया था जिसे कॉन्वनेट नाम दिया गया था ना कॉन्वनेट हमने पढ़ा भी था कॉन्वनेट इज अगेन बेस्ड ऑन द डीप लर्निंग ओके कन्वो न्यूस कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क ठीक है ये क्या करेगा एनालाइज कर रहा है विजुअल इमेजरी को और ये मेडिकल आ, एनालिसिस के अंदर डायग्नोसिस के अंदर हमें हेल्प कर रहा था तो इसी तरह से जैसे कॉन्विनेट नाम दिया वैसे ही आपने यहाँ पे फ्लैट नेट नाम दे दिया और ये फ्लैट नेट क्या कर रहा है ये इम्प्रूव कर रहा है है ना लेंसलेस जो कैमराज है उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प कर रहा है अब यहाँ पे दो वर्ड और यूज हुए हैं ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी देखिए वर्चुअल रियलिटी के अंदर रियल uh, कुछ भी नहीं होता है वर्चुअल में सब वर्चुअल होता है रियल इज़ नथिंग इज़ रियल इन द वर्चुअल रियलिटी वर्चुअल रियलिटी जैसे आपके होलोग्राफिक हो गया या फिर आपने वो थ्री डी लेंस लगा रखे हैं आपको चाहे डायनासोर वाले एज में ले जाएंगे है ना उसका रियलिटी से कोई मतलब नहीं है ऑगमेंटेड रियलिटी है जैसे आपका पबजी आता था पोकीमोन आता था जिसके अंदर आपका जो एक्चुअल इन्वायरमेंट है उसको ऑगमेंट किया जा रहा है ना विद द हेल्प ऑफ कैमरा एट्सेट्रा जो भी गैजेट के अंदर गैजेट जो होते हैं आपके वहाँ पे जो भी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है उसके थ्रू आप ऑगमेंट कर रहे हो रियलिटी भी वहाँ पे प्रेजेंट रहेगी तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पूछता है यूपीएससी में ऑगमेंटेड रियलिटी वर्चुअल रियलिटी में क्या डिफरेंस है वर्चुअल में कुछ भी रियल नहीं है ऑगमेंटेड में रियल भी है और वर्चुअल भी है है ना आपने ऑगमेंटेशन कर दिया रियलिटी को और ज़्यादा अट्रेक्टिव आपने बना दिया है क्लियर सो so, ये लेंसलेस कैमराज है इसमें ध्यान रखिएगा ये डिजिटल कैमरा ही है लेकिन इसमें लेंस का यूज़ नहीं हो रहा लेंस की जगह एक फिल्म का यूज़ किया जा रहा है फिर उससे जो इमेजेस है उसको डिजिटल प्रोसेसिंग के थ्रू बिल्कुल क्लियर किया जा रहा है फाइन और इस डिजिटल प्रोसेसिंग के लिए जो आपको एल्गोरिदम चाहिए वो डीप लर्निंग के थ्रू आप डेवलप कर रहे हो और डीप लर्निंग का यूज़ केवल लेंसलेस कैमरा में ही नहीं है डीप लर्निंग का यूज़ मेडिकल इमेज एनालिसिस के अंदर भी है वीडियो रिकॉग्निशन इमेज रिकॉग्निशन है ना लैंग्वेज आपका जो है प्रोसेसिंग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ये काफी सारे यूज हैं जिन्हें आप ध्यान रखेंगे नेक्स्ट हमारी uh, जो न्यूज uh, है दैट इज ये आपका टेलीग्राम चैनल है काफी सारे बच्चे पूछते हैं बीच में द पी डी एफ ऑफ द सेशन एंड अदर लिंक्स ऑफ द फ्री क्लासेज विल बी अवेलेबल हियर न्यू अप्रोच कंबाइन द बायोलॉजिक्स एंड एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट से कुछ याद आ रहा है ये आज के न्यूज़पेपर में भी है और ये न्यूज़ आपका आई थिंक लास्ट संडे को भी था लेकिन बहुत छोटा सा था हमने कवर भी किया था इसे एक बार दोबारा देखते हैं ये एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट क्या होता है जिन बच्चों ने रिवाइज किया होगा उनको आइडिया लग गया होगा एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट या कॉन्जुगेटेड जो एंटीबॉडी होती है एंटीबॉडी आप समझते हैं एक तरह का प्रोटीन है है ना बॉडी के अंदर जो कि बॉडी uh, में एंटीबॉडी जो है वो क्या कर रही है जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं है ना कोई भी आ, आपका पैथोजन हो गया बैक्टीरिया है वायरस है एनी थिंग विच इज फॉरन टू तो द बॉडी है ना बॉडी के अंदर जो नुकसान पहुंचा सकता है या एंटीजन की तरह जो काम कर रहा है तो उसके अगेंस्ट में ये एंटीबॉडी क्या करती हैं उससे अटैच हो जाती हैं उसकी तरफ टारगेटेड होती हैं तो एंटीबॉडी हमारे लिए सोल्जर्स की तरह डिफेंस मैकेनिज्म हमें दे रही हैं कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडी क्या होता है दिस इज़ एंटीबॉडी अटैच टू ए सबस्ट्रेट है ना ये एंटीबॉडी को अगर आपने किसी से अटैच कर दिया चाहे वो कोई एंजाइम है टॉक्सिन है इनऑर्गेनिक कंपाउंड है या कोई ड्रग है किसी से भी आप इस एंटीबॉडी को अटैच कर सकते हो तो अटैच जब हो गया तो हमने इसको कह दिया लोडेड या कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडी ये जो एंटीबॉडी है ये अटैच हो गई किसी एंजाइम uh, या किसी भी पर्टिकुलर सबस्टांस से तो इसे हमने नाम दिया कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडी अब होता क्या है देखिए प्रॉब्लम क्या होती है मान लीजिए आपकी ये जो आपको दिख रहा है बॉडी के अंदर कैंसर हो गया काफ़ी सारी इनक्योरेबल डिजीज हैं जैसे पैनक्रियाटिक कैंसर की ये बात कर रहे हैं है ना जिनको कोई पर्टिकुलर ड्रग टारगेट नहीं कर सकता है क्योंकि अगर ड्रग आप ऐसी ड्रग दे रहे हो जो कि सेल को डिस्ट्रॉय कर रहा है तो वो हेल्दी सेल को भी डिस्ट्रॉय करेगा क्योंकि यहाँ पर जो रेड कलर का आपको दिख रहा है ये कैंसर वाली सेल्स हैं और ये जो आपको डिफरेंट दिख रही है ब्लैक वाली ये नॉर्मल हेल्दी सेल है अब हेल्दी सेल अभी को भी नुकसान होगा अगर आप इस तरह से कुछ करोगे तो उसके काफ़ी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस होते हैं इसलिए जो ड्रग दी जाती है बॉडी के अंदर जिस तरह से ड्रग की डिलीवरी होती है उसको इम्प्रूव करने के लिए इन्होंने क्या किया एक नई टेक्निक डेवलप की नैनो आपका नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड एक नई टेक्निक इन्होंने डेवलप किया है और ये किस पे बेस है इसी कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडी पे ये बेस है क्या ये कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि अगर हम इस तरह से एंटीबॉडी को टारगेट कर दें है ना टारगेटेड एंटीबॉडी हम ले लें क्योंकि एंटीबॉडी क्या करती है जो भी बॉडी से मतलब डिफरेंट सेल्स हैं है ना उनको टारगेट कर रही है मान लीजिए कोई बाहर से कोई वायरस आ गया बैक्टीरिया आ गया उसको टारगेट कर रही है तो इसी तरह से अगर हम एंटीबॉडी को इस तरह का बना दें कि वो कैंसर सेल को भी टारगेट कर सकती है क्योंकि कैंसर सेल डिफरेंट होंगी हेल्दी सेल से है ना कुछ ना कुछ डिफरेंस वहाँ पे होगा अगर उस डिफरेंस को हमने आइडेंटिफाई किया और एंटीबॉडी को हमने टारगेट कर दिया एंटीबॉडी कहां पे जाएगी कैंसर सेल के ऊपर जाएगी तो हमारा काम बन सकता है तो इन्होंने क्या कर दिया एंटीबॉडी को टारगेट कर दिया और एंटीबॉडी को क्या कर दिया अटैच कर दिया किससे प्रोटीन से कॉन्जुगेट में क्या था अटैच ही तो हो रहा था ये अटैचमेंट ही तो था तो इन्होंने क्या किया अटैच कर दिया किसी प्रोटीन से प्रोटीन को एंटीबॉडी से अटैच करके ये आपका एक कॉन्जुगेट बना दिया कॉम्बिनेशन बना दिया फाइन क्यों ऐसा कर रहे हैं क्योंकि देखिए काफ़ी सारी आपकी डिजीज होती हैं जैसे किसी को डायबिटीज़ हो जाती है ना शुगर ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ जाता है क्यों क्योंकि आपका इंसुलिन सफिशेंट नहीं बन रहा है या जो भी रीज़न है ओके तो उस केस में क्या किया जाता है बाहर से आपका प्रोटीन दिया जाता है ओके एंजाइम्स वगैरह ये भी एक तरह के प्रोटीन ही है तो आपको इंसुलिन बाहर से दिया जाता है क्लियर और फिर आप उसमें इंप्रूव कर सकते हो डायबिटीज के अंदर तो ये जो टेक्निक है इसे हम कहते हैं बायोलॉजिक्स बायोलॉजिक्स में क्या किया जा रहा है जो डिफेक्टिव प्रोटीन है उसको आप डिलीवर कर रहे हो बॉडी के अंदर जैसे आपका इंसुलिन सफिशियंट नहीं बन रहा है या आपका इस तरह से एक्ट नहीं कर पा रहा है तो आपने बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन दे दिया बॉडी में इंसुलिन जाएगा ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा क्लियर तो बायोलॉजिक्स वाला ये कॉन्सेप्ट है लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि इंसुलिन आपका ब्लड के अंदर है वहाँ पर काम कर रहा है लेकिन ये प्रोटीन जो है आपका अंदर नहीं जा रहा है ना इनसाइड द सेल तो साइंटिस्ट कह रहे हैं अगर हम प्रोटीन को सेल के अंदर ले जाएँ सेल के अंदर अगर हम इस प्रोटीन की एंट्री करा दें तो हमारा काम बन जाएगा क्योंकि जब तक सेल के अंदर ये प्रोटीन नहीं जाएगा तो तब तक सेल को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता तो इस कॉन्सेप्ट को बायोलॉजिक्स वाले ये जो कॉन्सेप्ट है इसको इन्होंने अप्लाई किया किसके ऊपर एंटीबॉडी कॉन्जुगेट ये जो है प्रोटीन एंटीबॉडी कॉन्जुगेट इस कॉन्सेप्ट पे इसको अप्लाई कर दिया और एंटीबॉडी के ऐड होने से क्या होगा एंटीबॉडी इसकी एंट्री करा देगी किसके अंदर सेल के अंदर इसे उस तरह से समझिए मान लीजिए आप कहीं पे जा रहे हैं आप आई का मैच देखने जाते हो है ना अब आपके पास टिकट नहीं है आपकी एंट्री नहीं हो रही है फिर आपने कहीं से जुगाड़ कर लिया कि मुझे ये वी पास मिल गया अब मेरी एंट्री हो जाएगी तो ये जो प्रोटीन है इसकी सेल में एंट्री नहीं हो रही है ठीक है ब्लड तक तो ठीक है लेकिन अगर इस प्रोटीन की अगर हमें सेल में एंट्री करवानी है तो हमने क्या किया इसको एंटीबॉडी से अटैच कर दिया एंटीबॉडी से अटैचमेंट हुआ तो उसे हमने नाम दे दिया प्रोटीन एंटीबॉडी कॉन्जुगेट पी ये नाम दे दिया तो इसके अंदर क्या होता है हम क्या करेंगे ये जो एंटीबॉडी आपका है एंटीबॉडी है ये जो टारगेटेड एंटीबॉडी है इसका एंटीबॉडी के अंदर हम इस तरह का कोई प्रोटीन या जो ड्रग है उसको फिट करेंगे यहाँ पे क्लियर यूज द एंटीबॉडीज़ फॉर ड्रग डिलीवरी एंटीबॉडीज़ के साथ हमने ड्रग को फिट कर दिया अब ये एंटीबॉडी क्या करेगा सेल के अंदर एंट्री करा देगा किसकी ड्रग की और ये एंटीबॉडी किसके लिए टारगेटेड है केवल और केवल कैंसर सेल के लिए तो हेल्दी सेल को नुकसान नहीं होगा और आप देखोगे जो कैंसरस सेल है वो इरेडिकेट हो चुकी है और इस तरह से आपकी रेड सेल एलिमिनेट हो गई ये आपको समझ आया यस और नो प्लीज टेल ये समझ आ गया क्या एक बार थम्सअप इस तरह से करके बता दीजिए अगर कोई डाउट है तो मैं क्लियर कर दूंगा फाइन ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रोटीन एंटी एंटीबॉडी कॉन्जुगेट फाइन एंटीबॉडी आपका टारगेट हो गया अब एंटीबॉडी के साथ आपने ड्रग अटैच कर दी अदरवाइज ऐसे ड्रग अटैच करते तो वो क्या करता वो हेल्दी सेल के पर ऊपर भी चला जाता क्योंकि उसके पास डायरेक्शन तो है नहीं तो अभी आपने ड्राइवर बैठा दिया कि भैया उसी को उसी को टक्कर मारनी है ठीक है ना जो बुरे लोग हैं उनको जाके टक्कर मारो आप चलिए फाइन तो ये कैंसर सेल और इस तरह की इनक्योरेबल डिजीज काफी सारी हैं जहां पर इसका यूज़ देखा जा रहा है और इसी कॉन्टेक्ट में इस पर हमने बात की है वी कैन डेवलप एंटीबॉडीज टू रिकॉग्नाइज एनी थिंग दैट डज नॉट बिलोंग टू आवर बॉडीज इसके अंदर क्या हो जाएंगी कैंसर सेल भी हो जाएंगी और अगर हमने एंटीबॉडीज को इस तरह से टारगेट कर दिया कि ये कैंसर सेल को जाके आइडेंटिफाई कर सकती है वहां पे टारगेट कर सकती हैं और इस एंटीबॉडी के साथ हमने एक ड्रग अटैच कर दिया फाइन तो ये क्या करेगी सिलेक्टिवली कैंसर सेल पर जाएगी और ये ड्रग मॉलिक्यूल्स जो हैं एंटीबॉडी के साथ आपने अटैच किए हैं ये क्या करेंगे कैंसर सेल को किल कर देंगे ओके नैनो टेक्नोलॉजी पे बेस है नैनो टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी यूपीएससी के फेवरेट एरियाज़ हैं चलिए आपको समझ आ गया बहुत ही अच्छी बात है नेक्स्ट हम मूव करते हैं एलिफेंट सील्स की बात हो रही है ये जो आपको दिख रहा है पीछे ओके एलिफेंट सील इन्हें कहा जाता है काफ़ी जाइगेंटिक है, है ना अगर आप देखोगे इन कंपेरिजन टू द अदर एनिमल्स जो नॉर्मल सील होती है उसके कंपेरिजन में काफ़ी इसका साइज बड़ा है जाइगेंटिक साइज़ है एलिफ़ेंट सील जो है इनको एलिफेंट नाम इनके साइज की वजह से नहीं दिया गया है इनको जो नाम दिया गया है एलिफेंट ये जो इनका स्नाउट होता है है ना स्नाउट uh, जो नोज लाइक माउथ का एक्सटेंशन ही होता है एक वो उसकी वजह से इनका नाम एलिफेंट सील पड़ा हुआ है तो इस पर यह आर्टिकल है ये कह रहे हैं कि एलिफेंट जो सील है इसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है इतना फैट होने के लिए ठीक है ऐसा ही नहीं है ये अपने दिन के बीस घंटे कम से कम चौबीस में से बीस घंटे ये मेहनत कर रहा है किस चीज़ के लिए फ़ैट होने के लिए ओके okay, इतना वेट अपना गेन करने के लिए हेल्दी रहने के लिए अपना पूरा सर्वाइवल करने के लिए ट्वेंटी टू ट्वेंटी फोर आवर्स है ना ये डीप डाइव करते हैं हंट करते हैं ये पूरा इसके बारे में है एलिफेंट सील के बारे में कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि ये एक तो मैमल है है ना मैमल स्पीशीज़ है और इसके अंदर इसको फिश फिश मत लिख देना ठीक है ना तो आ, एक तो मैमल हो गया और इसमें आपकी दो पाई पाई जाती है ना जैसे अगर हम अर्थ को इस तरह से करते हैं तो ये नॉर्दर्न हेमिसफियर है तो नॉर्थ एरिया में आपकी जो आर्कटिक या ऊपर की तरफ हम जाएंगे कैलिफोर्निया वाला जो एरिया तो है इस्पेशली तो वहाँ पर नॉर्थ एलिफेंट सील्स मिलती हैं और ये ऑफशोर आइलैंड्स के ऊपर ज़्यादा मिलती हैं सदर्न जो एलिफेंट सील्स हैं ये अंटार्कटिका के अंदर मिलेगी सदर्न हेमिसफियर में फाइन और ये काफ़ी कोल्ड कंडीशन के अंदर अगर आपकी समर्स हैं तो लैंड पार्ट पे भी रहती है विंटर्स में जनरली ये क्या करते हैं वाटर uh, के अंदर ही प्रिफर करते हैं स्पेंड देयर विंटर इन द फ्रिजड एंटार्क्टिक वाटर तो एलिफेंट सील के बारे में ये है यहाँ पे तो बस यही लिखा है कि ये किस तरह से अपना बॉडी फैट जो असेंशियल बॉडी फैट है उसको मेनटेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ ओके फीडिंग फॉर लार्ज आर्स बीस से चौबीस घंटे तक इस तरह से करते हैं सो इंडीड इट इज़ नॉट ईजी फॉर एनिमल्स ओके टू सरवाइव सो डेफिनेटली चलिए एक बार इनकी पॉपुलेशन थ्रिटर्न भी हुई थी है ना इनको किल किया जाता है ऑयल के लिए अदर पार्ट्स के लिए फाइन एग्रेसिवली इनको किल किया जा रहा था ऑयल के लिए इनका नंबर जो है बहुत ड्रेस्टिकली रिड्यूस हो गया था तो अभी नहीं है अभी इनका फाइन है फाइन अभी वल्नरेबल स्पीशीज में यह आता है सो थैंक्स टू द ओके लीगल प्रोटेक्शन हियर एन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज पे हम बात करते हैं तो न्यू स्किंग स्पीशीज़ आपका मिला है वेस्टर्न घाट से स्किंग हमने पहले भी किया हुआ है आई थिंक फेबररी का था जब स्किंग्स न्यूज़ में था जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया था स्किंग्स के बारे में तो स्किंग क्या होता है इस तरह का आपको दिखता है यहाँ पर देखिए तो देखने में ऐसा लग रहा है कि कोई स्नैक है, है ना लेकिन स्नैक होता नहीं है uh, ये जो होते हैं वैसे तो है तो रेप्टाइल ही आपके और जनरली क्या होते हैं लिम्बलेस होते हैं या बहुत ही छोटे इनके लेग्स होते हैं ठीक है ग्लोसी स्केल्स होते हैं ये जो आपको दिख रहा है ग्लोसी स्केल्स इनके हैं आ, ये आपके नॉन पॉइजनस होते हैं नॉन वीनमस होते हैं वीनम इनमें नहीं होता है ना जनरली कई बार क्या करते हैं लोग इनको मार देते हैं कि यार ये देखो छोटा सांप आ गया उस तरह से तो दीज आर नॉन विनर्स आपको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और बहुत ही स्मॉल साइज होता है इनका साइज़ बहुत स्मॉल होता है फॉर uh, एग्ज़ाम्पल अगर ये हम देखें तो सेवन सेंटीमीटर का इसका साइज़ है जो नई स्पीशीज़ ये मिली है इसका नाम क्या है uh, सुबोल यूसेब्स uh, नील uh, गिरेंसिस नीलगिरी में ये मिल रहा है तो नील गिरेंसिस यहाँ पे नाम दिया गया सात सेंटीमीटर कितना होता है सेवन सेंटीमीटर ओके बहुत छोटा ये इसका साइज़ है क्लियर वलनरेबल ये आपकी स्पीशीज़ है वल्नरेबल ये आपकी स्पीशीज़ है एंड वाट एल्स यू शुड नो हियर डायरनल होते हैं डायरनल होते हैं फाइन मतलब ऑल पार्ट ऑफ डे आपका एक्टिव रहते हैं ह्यूमन बींग्स की तरह फाउंड इन ऑल काइंड ऑफ हैबिटेट्स इन द कंट्री अब कहाँ कहाँ पे ये मिल रहा है हर जगह पे मिल रहा है चाहे हिमलियाज़ हो कोस्टल एरियाज हो ओके okay? इवन uh, आपके सेमी एरिड एरियाज में ईस्टर्न घाट्स में भी कुछ जगह पे ये मिली हैं तो ऐसा नहीं है केवल वेस्टर्न घाट में ही रहेंगी और अगर आप इसे देखोगे दैट इज़ इंडिया इज़ अ होम टू 62 स्पीशीज ऑफ स्किंग्स और इसमें से मोर देन 50 परसेंट एंडेमिक है एंडेमिक का क्या मतलब है ओनली इंडिया में ही मिलेंगी ओनली इंडिया में ही मिलेंगी जितनी स्पीशीज़ हैं वो इंडिया में ही एंडेमिक है सो दिस इज़ अबाउट द स्किंग न्यूज़ में रहता है तो आप बता सकते हैं स्किंग क्या है रेप्टाइल है और इस तरह से ये इनकी कुछ करेक्टरिस्टिक है जो आपको ध्यान रखनी है वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर इनको प्लेस किया गया है ये जो ये नई वाली जो स्पीशीज इस है इसे वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया Next है नेक्स्ट है तो ये जो आपका साइक्लोन आ रहा है ओके okay, चक्रवात है जो जिस तरह से मूव कर रहा है अगर आप देखेंगे केरला से होता हुआ अभी गुजरात पे हिट करेगा तो साइक्लोन आपका रहता है ये न्यूज में लास्ट ईयर भी आपने देखा था सुपर साइक्लोन न्यूज में था न्यूज़ में क्यों हैं स्किंक न्यूज़ में क्यों हैं क्या न्यूज़ में क्यों है इसकी तो नई स्पीशीज़ मिली है ना न्यू स्किंक स्पीशीज़ फ्रॉम वेस्टर्न गार्ड इसलिए आपका न्यूज़ में है एक नई स्पीशीज़ मिली है इस वजह से ये आपका न्यूज़ में है क्लियर साइक्लोन की हम बात कर रहे हैं सो दिस तो इज़ देयर एंड ये जो साइक्लोन है आपका जो अरब सागर है ओके okay, इधर अरब सागर है यहाँ पे ये क्रिएट हो रहा है और ये इसका एक्सपेक्टेड पात है कि ये इस तरह से मूव करेगा इन एरियाज़ को हिट करेगा फाइन तो जहाँ पे ये हिट करने वाला है वहाँ पे प्रिकॉशनरी मीज़र लिए जा रहे हैं मिटिगेशन मीज़र्स लिए जा रहे हैं कि नुकसान को कम से कम किया जा सके ओके लास्ट ईयर आपका सुपर साइक्लोन आया था अम्फान कहाँ पर आया था ये बताइए कौन से आपके स्टेट्स को उसने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया था तो यहाँ पर हमें क्या जानना है जो क्वेश्चन आपके यू में पूछे जाते हैं तो इसका नाम ध्यान रखिए ये जो साइक्लोन है कहाँ जनरेट हुआ है क्लियर एंड एक्सपेक्टेड स्पीड जो है इसकी 160 किलोमीटर पर आर पे रखा जा रहा है एंड व्हाट वी शुड नो साइक्लोन कैसे बनते हैं क्या होते हैं इनका डायरेक्शन क्या होता है ओके okay, क्यों ये लैंड पे हिट करते ही आपका डिसिपेट हो जाता है मतलब खत्म हो जाते हैं कुछ टाइम में ये सब रीजन देखिए साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए जो आपको रिक्वायरमेंट है ये जो साइक्लॉन है क्या है ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है आप ये जो देख रहे हो जो भी साइक्लोन है जैसे ये तोकते वाला जो साइक्लोन है ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है ट्रॉपिकल साइक्लोन का क्या मतलब होता है ये जो ट्रॉपिक्स हैं ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ट्वेंटी थ्री एंड हाफ नॉर्थ और ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है ट्वेंटी थ्री एंड हाफ साउथ तो ये जो बीच का एरिया है ट्रॉपिक्स के जो बीच का एरिया है जनरली इसे हम कहते हैं ट्रॉपिक्स तो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ट्रॉपिकल एरिया से में ही जनरेट होता है ओके इनका ऑलमोस्ट uh, जो लिमिट uh, है जहाँ पे जनरेट होंगे और जहाँ तक ये एग्जिस्ट करेंगे वो ट्रॉपिक्स ही हैं ट्रॉपिक्स क्यों हैं इसका रीज़न भी हम समझते हैं ट्रॉपिक लिए है क्योंकि इनके आ, मतलब फॉर्मेशन के लिए आपको कुछ रिक्वायरमेंट है ना इनके फॉर्मेशन मतलब साइक्लोन बनने के लिए कुछ कंडीशंस रिक्वायरमेंट है उसमें सबसे फॉरमोस्ट कंडीशन है कि इनको वार्म वाटर चाहिए एंड वार्म एंड मोइस्ड एयर की सप्लाई चाहिए है ना वार्म एंड मॉइस्ड एयर की इनको सप्लाई चाहिए और वाटर भी आपका वार्म होना चाहिए तो ये जो रीज़न आपको दिख रहा है ट्रॉपिकल जो रीज़न आपको दिख रहा है यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका क्या रहता है इंसोलेशन रहता है इनकमिंग सोलर रेडिएशन रहता है तो अगर आप देखोगे सनलाइट की या हीट की सप्लाई सबसे ज़्यादा यहाँ पे है तो ये रीजन्स आपके कंडक्टिव हैं किस लिए वार्म वाटर और वार्म एंड मॉइस्ट एयर की सप्लाई के लिए जो कि जरूरी है आप कोई भी चीज़ बनाते हो जैसे आप मैगी बना रहे हो तो आपको नूडल चाहिए ठीक है, है ना आपको बॉइलिंग वाटर चाहिए तो उसी तरह से साइक्लॉन फॉर्मेशन के लिए ये चीज़ें रिक्वायरमेंट है अब क्या होता है पानी वार्म वाटर है इवोपरेशन होता है जैसे आपने पानी पोर्ट में रखा हुआ है बॉइल कर रहा है वैसे वार्म वाटर का इवॉपरेशन होता है इवॉपरेट होकर वो राइज करता है और क्लाउड क्लाउड फॉर्मेशन करता है रिलीजिंग द हीट इन टू द एयर ओके और इस तरह से आपका एयर क्या करता है राइज करना स्टार्ट हो जाता है इवोपरेशन हो रहा है एयर राइज करना स्टार्ट हो जाता है तो ये सरफेस है यहाँ पे वाटर है वाटर हीट मतलब गर्म हो रहा है इवोपरेशन हो रहा है ऊपर क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है अब क्या होता है ये जो एरिया है जहां पे ये इस तरह से डेवलप हो रहा है पूरा सिस्टम ये लो प्रेशर डेवलप कर लेता है कम दबाव का क्षेत्र ये डेवलप यहां पे कर लेता है एरिया ऑफ लो प्रेशर ये डेवलप कर देता है एरिया ऑफ लो प्रेशर जो होता है उसको हम कहते हैं डिप्रेशन भी कई बार हम उसे डिप्रेशन भी कह देते हैं फाइन अब लो प्रेशर हवा का विंड का जो मूवमेंट होता है क्या होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर अधिक दबाव वाले क्षेत्र से कम दबाव वाले क्षेत्र की तरफ तो इसने लो प्रेशर डेवलप कर लिया ठीक है ये आपका लो प्रेशर यहां पे डेवलप हो गया अब ये क्या करेगा चारों तरफ से एयर इस तरफ मूव करेगी क्यों क्योंकि यहां पे लो प्रेशर है और हाई प्रेशर वाले एरिया से इस तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाएगी एयर यह ठीक है एयर यहां पे मूव करेगी और आपको पता है एयर यहां पे मूव करके ऊपर की तरफ बढ़ रही है है ना एयर राइज कर रही है क्यों क्योंकि इवोपरेशन हो रहा है बहुत ज्यादा यहां पे आपको लेट हीट अवेलेबल है इवोपरेशन हो रहा है कंटिन्यू होता रहता है क्लाउड फॉर्मेशन आपका होता रहता है ये पूरा सिस्टम बिल्ड करना स्टार्ट हो जाता है फाइन और फिर धीरे धीरे थंडर स्टॉम और ये पूरा आपका डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है अब इसको ये जब तक सी सरफेस पे रहेगा जब तक ये सी सरफेस पे रहेगा तब तक इसको सप्लाई मिलती रहेगी किसकी आपको वार्म वाटर मिल रहा है आपको वार्म एंड मॉइस्ट एयर सप्लाई भी मिल रही है तो ये जब तक आपको इसको फ्यूल मिलता रहेगा जैसे गाड़ी के अंदर जब तक पेट्रोल होता है चलती रहती है तब तक ये इंटेंसीफाई होता रहेगा ठीक है।, है अब ये लो प्रेशर आपका डेवलप हो रहा है यहाँ से वार्म एंड मॉइस्ट एयर आ रही है हाई प्रेशर एरिया से हाई प्रेशर एरिया से फिर यहाँ पे ये यह राइज कर रही है राइज करके ऊपर आपका ये पूरा सर्कुलेशन हो रहा है है ना ये जो बीच में लो प्रेशर वाला एरिया है ये काम कंडीशन यहाँ पे रहती है जिसे हम कहते हैं आई इसके चारों तरफ ये थंडर स्टॉम डेवलप हो रहा है फाइन यहाँ पे काम कंडीशन क्यों है क्योंकि ये इस तरह से एयर ये राइज कर रही है और बीच के अंदर आपका काम कंडीशन डेवलप है तो ट्रॉपिकल साइक्लोन का कुछ इस तरह से ये डेवलप होता है और फिर आप क्या करोगे जब ये आपका लैंड को हिट कर जाता है अगर आप यहाँ पे देखोगे ये जब लैंड पे हिट करेगा तो विद इन फ्यू आवर्स ये डिसिपेट हो जाता है मतलब ये जितना ज़्यादा थंडर स्ट्रॉम जितनी तेज विंड्स चल रही हैं वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी कुछ टाइम में बिल्कुल फिनिश हो जाएगा क्यों क्योंकि इसका जो फ्यूल है जैसे पेट्रोल की सप्लाई होती है वो कम हो गई क्योंकि ना तो यहाँ पर अब लैंड पे इसको कोई वाटर मिल रहा है वार्म वाटर सप्लाई और जो वार्म एंड मॉइस्ट एयर है उसकी सप्लाई भी कंस्ट्रक्ट हो गई है तो धीरे धीरे ये डिसिपेट हो जाता है फाइन अब आ, जैसे यहाँ पे इंडिया में साइक्लोन कहा जाता है चक्रवात कहा जाता है वैसे अलग अलग एरिया के अंदर अलग अलग अगर आप अटलांटिक में जाओगे ओके okay, या फिर ईस्टर्न पैसिफिक में जाओगे तो इनको हरिकेन नाम दिया जाता है हरिकेन्स कहा जाता है फ़ाइन अगर आप यहाँ पे साउथ चाइना सी और जापान के पास जा रहे हो वेस्टर्न पैसिफिक के अंदर तो इनको टाइफून कहा जाता है इंडिया की तरफ ऑस्ट्रेलिया की तरफ इनको साइक्लोन्स कहा जाता है अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम है आ, बेसिकली आपका है सब ट्रॉपिकल साइक्लोन ठीक है ये आपको समझ आ गया कैसे बन रहे हैं। अब इसमें एक और चीज होती है कि ये जो मूवमेंट दिखा रहे हैं है ना फॉर एग्जाम्पल यू हैव दिस ये जो मूवमेंट आ रहा है इनका साइक्लोन्स का जो मूवमेंट होता है वो कैसा होता है तो अगर हम देखेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इनका जो मूवमेंट होता है काउंटर क्लोक रोटेशन होता है काउंटर क्लोक रोटेशन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो ये रोटेशन अलग क्यों है और रोटेशन हो क्यों रहा है देखिए वैसे अगर आप देखोगे साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए आपको थोड़ा सा कोरियोलिस फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है कोरियोलिस फोर्स क्या है अर्थ हमारा रोटेशन कर रहा है है ना घूम रहा है अर्थ यू हैव दिस रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट की आपका रोटेशन हो रहा है एंड अर्थ का जो रोटेशन है उसकी वजह से क्या होता है एक फोर्स डेवलप होता है एक डिफ्लेक्शन कॉज होता है है ना डिफ्लेक्टिव फोर्स डेवलप होता है जैसे आप देख सकते हो कोई सीडी या डीवीडी जो होता है ना वो मूव कर रहा है इस तरह से कोई डिस्क है कोई और डिस्क है ये मूवमेंट कर रहा है ये सेंट्रल पॉइंट है तो ये इस, इस तरह से घूम रहा है क्लियर तो यहाँ पे क्या होगा ये वाले जो एरिया हैं ये वाले जो एरियाज हैं इनका मूवमेंट फास्ट होता है इन कंपैरिजन टू दीज एरियाज ओके तो अर्थ पे भी ऐसे ही होता है अर्थ पे क्या होगा अर्थ का जो रोटेशन हो रहा है उसकी वजह से क्या होता है इक्वेटर वाले जो एरिया हैं ये फास्ट रोटेट करते हैं इन कंपैरिजन टू द पोल्स पोल के कंपैरिजन में ये जो एरिया हैं फास्ट मूवमेंट कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा जब कोई चीज इक्वेटर से पोल की तरफ मूव कर रही है तो वो डिफ्लेक्ट करेगी है ना डायरेक्शन अपना थोड़ा चेंज करेगी तो ये जो आपका फोर्स क्रिएट हो रहा है एक तरह का डिफ्लेक्टिव फोर्स है उसे हम कहते हैं कोरियोलिस्ट फोर्स तो कोरियोलिस फोर्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपका आपका राइट हैंड की तरफ मूव करेगा और सदर्न हेमिस्फीयर में आपका लेफ्ट हैंड की तरफ मूव करेगा इसे एक रूल बना के याद रख लेना है ना अगर कोरियोलिस फोर्स है कोई मूवमेंट इधर हो रहा है है ना जिस तरफ भी मूवमेंट हो रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड का मूवमेंट जिस तरफ है उसके राइट हैंड साइड में डिफ्लेक्शन होता है तो अगर आप देखोगे ट्रेड विंड्स वगैरह जैसे ये जो हमने देखा था यहाँ पे ये अगर मूवमेंट आप देखोगे है ना सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से ये लो प्रेशर की तरफ आ रही है तो ट्रेड विंड्स ये आ रही हैं आपकी या ट्रॉपिकल ईस्टर्डीजें तो इनको आना तो इस तरह से चाहिए लेकिन ये कैसे मूव कर रही हैं थोड़ा सा उधर यूँ मूव कर रही है तो अपने राइट हैंड साइड में मूव कर रही हैं इस तरफ देखोगे तो इनको आना तो सीधा चाहिए लेकिन ये मूव कर रही हूं अपने लेफ्ट हैंड साइड में तो ये आपको जो एरो इंक्लाइन दिख रहे हैं किस वजह से दिख रहे हैं कोरियोलिस फोर्स की वजह से तो अब आपका क्या होता है कोरियोलिस फोर्स यहां पे जीरो होता है यहां पे आपका ये जो डिफ्लेक्टिव फोर्स है फाइव डिग्री जो ये होते हैं फाइव डिग्री नॉर्थ टू फाइव डिग्री साउथ फोर्स लेटिट्यूड इनको कहा जाता है यहाँ पे आपका कोरियोलिस फोर्स का वैल्यू नहीं होता है इसलिए आप देखोगे कभी भी जो इक्वेटर है उसके पास बिल्कुल वहां पे कभी भी साइक्लोन डेवलप नहीं होता है क्यों नहीं होता है कोरियोलिस फोर्स नहीं है कोरियोलिस फोर्स नहीं रहेगा तो आपका ये जो डिप्रेशन है है ना उसको थोड़ा सा टॉर्क चाहिए जो चक्करदार हवा जिसे आप कहते हो उस तरह से वो चाहिए वो डेवलप नहीं होगी इसलिए इक्वेटर के आसपास वाले एरियाज हैं यहाँ पर साइक्लोन नहीं रहते हैं ये भी आप समझिए सो फाइन दिस इज ऑल अबाउट दिस ट्रॉपिकल साइक्लोन अब यहां पे ये तो हो गई बेसिक चीजें है ना कंसेप्चुअल ज्योग्राफी वाला पार्ट जो कि प्रोलिम्स में भी पूछा जाता है ज्यादा अब यहां पे क्या आ जाता है आपका मेंस का जीएस पेपर थ्री ऐड हो जाता है क्यों क्योंकि आपका डिजास्टर मैनेजमेंट आ गया साइक्लोन आ रहा है कैसे आप डील करोगे फाइन साइक्लोन को आप कैसे डील करेंगे या कोरियोलिस्ट फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द ओशन करंट्स ओशन करंट्स के लिए तो बहुत सारे फैक्टर हैं टेम्परेचर है सेलिडिटी है और हैं लेकिन वो जो पाथ फॉलो कर रहे हैं वहाँ पे कोरियोलिस फोर्स का भी रोल रहेगा है ना ओशन करंट को आपने देखा होगा उनका जो मूवमेंट हो रहा है वो भी कोरियोलिस फोर्स की वजह से हो रहा है अब डिजास्टर मैनेजमेंट में हम यहाँ पे आ जाते हैं तो इंडिया के अंदर जो इंडियन मिटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है आई है आपने देखा होगा वार्निंग आ रही है आई की तरफ से आ रही है तो ये आपका कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में वर्क करता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इसको साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री से कन्फ्यूज मत करना प्रिंसिपल एजेंसी है आपकी वेदर फोरकास्टिंग की सिस्मोलॉजी मिटियोलॉजिकल फिन ऑब्जर्वेशन मतलब क्लाइमेट वेदर से रिलेटेड ऑब्जर्वेशन ये करता है ये रेस्पॉन्सिबल है फोरकास्ट के लिए नेमिंग के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वार्निंग ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ये सारी चीजें आपका करेगा क्लियर अब इसने ये क्लासिफिकेशन आपका बना रखा है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन को स्पीड के स्पीड विंड स्पीड कितना है उसके बेसिस पे आपने कैटेगराइज कर रखा है कि विंड स्पीड यहां तक होगा तो यहां पे 165, 145 कितना है आ, तो ये वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टोम के अंदर आ सकता है है ना और आपके सुपर साइक्लोन किसे जाए, कहा जाएगा जैसे अम्फान था लास्ट ईयर था अम्फान साइक्लोन जिसको सुपर साइक्लोन कहा गया था क्यों कहा गया क्योंकि उसके अंदर जो विंड स्पीड थी पूरे सिस्टम की टू किलोमीटर को क्रॉस कर गया था इतनी तेज हवाएं चल रही थी तो जितनी तेज आपकी विंड स्पीड हवाएं चलेगी उस बेसिस पे आपने ये आपका क्लासीफिकेशन कराया अब इसको पूरा रटने की जरूरत नहीं है सुपर साइक्लोन वाला फिगर आप ध्यान रखेंगे साइक्लोनिक स्ट्रॉम का ध्यान रखिए और डिप्रेशन का ध्यान रखिए ठीक है डिप्रेशन का आपको ध्यान रखना है सो दिस इज द थिंग डिजास्टर मैनेजमेंट में एनडीएमए का रोल आ जाता है ओके नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो कि गाइडलाइंस इश्यू करती है अब देखिए साइक्लोन आपको पता है आप अपना कॉमन सेंस भी यूज कीजिए सबसे इफेक्टिव तरीका क्या होगा सबसे इफेक्टिव तरीका क्या होगा अगर हम वापस इस पर जाते हैं प्लीज है लुक तो इन्होंने क्या बता दिया कि एक्सपेक्टेड पाथ क्या होगा साइक्लोन का अब आपको पता है कि आने वाले टाइम में गुजरात के इन इन एरियाज में ये साइक्लोन हिट करेगा तो सबसे अच्छा तरीका क्या है जितनी अच्छी और जितनी अर्ली वार्निंग होगी ओके okay? जितनी एक्यूरेट वार्निंग होगी जितनी अर्ली वार्निंग सिस्टम आपका होगा उतना ही बेटर आपका रिस्पॉन्स रहेगा आप क्या करोगे इवेक्एट कराओगे वहां से लोगों को है ना कि उनकी लाइफ का नुकसान ना हो वहां पे जो जानवर हैं एनिमल्स हैं उनको सेफ प्लेस पे ले गए ओके साइक्लोन शेल्टर बना हुआ है तो वहां पे ले गए इस तरह से तो बेस्ट वे टू मिटिगेट द इंपैक्ट ऑफ दिस साइक्लोन्स इज कि आपका जो वार्निंग सिस्टम है वो सबसे अच्छा हो अर्ली वार्निंग सिस्टम की बात की जा रही है और यहाँ पे अर्ली वार्निंग सिस्टम में बहुत सारा uh, जो है कोशिश कर की जा रही है नया नया डेवलप करने की लेटेस्ट यहाँ पे जो है एक इम्पैक्ट बेस्ड साइक्लोन वार्निंग सिस्टम डेवलप किया है इम्पैक्ट बेस्ड साइक्लोन वार्निंग सिस्टम आपका डेवलप किया है किसने मिटअरोलॉजिकल uh, डिपार्टमेंट ने तो ये क्या कर रहा है ये डिस्ट्रिक्ट बेस्ड डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक वार्निंग देगा जनरली क्या होता है पूरे एरिया के लिए आती है डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक वार्निंग आएगी तो आपको पता चलेगा पर्टिकुलर क्योंकि वहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट में आपकी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ हैं जो भी हैं डीएम हैं और वहाँ पर इस तरह से उसको डिसेंट्रलाइज uh, किया जा सकता है लोकलाइज अगर आपके पास इंफॉर्मेशन होगा इन्फो होगा तो आप बहुत अच्छा मैनेज कर सकते हो तो ये क्या कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक वार्निंग की कोशिश की जा रही है इसके अलावा एन ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ है नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट ओके जो कि साइक्लोन रिलेटेड रिस्क को कम करेगा और यहाँ पे एक डायनेमिक कंपोजिट रिस्क एटलस बनाई जा रही है रिस्क एटलैस बनाई जा रही है जिसमें आइडेंटिफाई किया जाएगा कि देखो ये ये एरियाज़ हैं ये ये डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर आपका रिस्क ज़्यादा हो सकता है तो इंडिया का अगर साइक्लोन हजार्ड मैप आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर कहाँ पे ईस्टर्न कोस्ट पर वेरी हाई डैमेज जो आपको डार्क ब्राउन कलर दिख रहा है वो वेरी हाई डैमेज वाला एरिया है ओके okay. तो आप देखोगे यहां पे वेरी हाई डेमेज एरिया है जनरली आपका है आंध्रा उड़ीसा बंगाल ये वाला जो कोस्ट है सम पार्ट्स ऑफ द तमिलनाडु एज वेल इधर आप देखोगे तो यहां पे गुजरात है वेरी हाई डैमेज वाले एरिया में तो इस तरह से आप रिस्क एटलस बनाओगे डिस्ट्रिक्ट वाइज आप ये बताओगे कि हाँ ये ये एरियाज हैं अब आपने डिस्ट्रिक्ट को फोकस कर लिया कि यहां पे साइक्लोन आते हैं तो उस तरह से आप क्या करोगे वहाँ पे साइक्लोन शेल्टर बना दिए कि जब भी वार्निंग आएगी तो लोगों को वहां पे ले जाया जाए ओके okay, एनिमल्स को कहीं पे और रखा जाए समथिंग लाइक दिस तो ये प्रोजेक्ट आपका हेल्प कर रहा है एन डी एम ए हेजन ए प्रोजेक्ट एंटाइटल्ड नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट जिसकी अभी हमने बात की है और यहाँ पे क्या कर रहा है ये बेटर साइक्लोन फोरकास्ट कर रहा है टाइमली वार्निंग्स दी जाएंगी हर आवर पर अपडेट किया जाएगा ओके अब यहाँ पर आ गया है विंड स्पीड इतना है इस तरह से आप कर सकते हो और जनरली मानसून आप देखोगे तो दो पीरियड्स हैं प्री मानसून एंड पोस्ट मानसून यहाँ पे आपके देखे जाते हैं जैसे अम्फान था आई थिंक मे का टाइम था तो पोस्ट मानसून में आपका अक्टूबर नवंबर है और सी सरफेस कंडीशंस ऐसी होती हैं जो फेवरेबल होती हैं ओके सी सरफेस कंडीशन फेवरेबल होती है सी सरफेस कंडीशन से क्या मतलब है वो टेम्परेचर आपको चाहिए मिनिमम ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर समथिंग लाइक दिस और जो मीजर्स हैं डिजास्टर मैनेजमेंट में आप लिख सकते हो स्ट्रक्चरल मिटिगेशन मीजर्स लिए जाएंगे है ना साइक्लोन शेल्टर आपने बना दिए कई जगह पर हैवी प्लांटेशन कर दिया जैसे मैंग्रोव होते हैं नेचुरल साइक्लोन शेल्टर का काम करते हैं है ना विंड स्पीड को रिड्यूस कर देगा अगर बफर है मान लीजिए यहां पे सेटलमेंट है आपका अब इतना आपने बफर खूब सारे पेड़ लगा रखे हैं मैंग्रोव है फॉरेस्ट है, है तो विंड स्पीड को ड्रेस्टिकली रिड्यूस कर देगा फाइन तो <coughs> ये भी इसमें आएगा मैनेजमेंट ऑफ कोस्टल जोन कोस्टल जोन को इसी तरह से मैनेज किया जाए ओके okay, जो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क वाले एरिया हैं वहाँ पर इस तरह की सेंसिटिव स्ट्रक्चर ना बनाई जाए अवेयरनेस जनरेशन किया जाए ठीक है लोगों को डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट एंड कैपेसिटी डेवलपमेंट स्पेशली जो लोकल पीपल है उनकी कैपेसिटी डेवलप की जाए रेस्पॉन्स तो होगा जब वो हिट कर जाएगा उसके बाद जो असेंशियल सप्लाइज है उनको चालू चालू करना है ना लोगों को खाना वाना पहुंचाना जो इंजर्ड हैं जो लोगों की जान बचाना ठीक है जो इंजर्ड है उनको मेडिकल फैसिलिटी देना लाइट सप्लाई चालू करना ये सब आपका रेस्पॉन्स के अंदर आएगा फाइन नेक्स्ट हमारे पास है जीएस पेपर थ्री एंड दिस इज अ बिग वन के एन जो आपका है ओके यू के की ब्रिटिश ऑयल कंपनी है के करके और इसने आपका सू किया है एयर uh, इंडिया को एयर इंडिया पे मुकदमा इन्होंने किया है यूएसए के अंदर ओके okay? गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है एयर इंडिया को बेच दिया जाए बहुत नुकसान में चल रही है लेकिन एयर इंडिया को बायर नहीं मिल रहे हैं क्योंकि इतना ज़्यादा वो नुकसान में चला गया है बड़ा मुश्किल हो रहा है क्यों ये किया गया है केयर इंडिया ने सू क्यों किया है तो अगर आप मुझे डेली फॉलो कर रहे हो तो आपको आइडिया लग गया होगा कि हां सर आपने पढ़ाया तो था थिंक इज दैट प्लीज हैव अ लुक आपका जो केस था देखिए केयरन जो है उसने क्या किया uh, एक टर्म आप समझिए पहले कोई भी जो कंपनी होती है या आपने कोई लैंड खरीद रखी है ना लैंड खरीद रखी है कोई शेयर्स हैं आप उनको बेचते हो तो आपको जो प्रॉफिट होता है है ना कुछ भी आपने लैंड खरीदी उससे आपको जो प्रॉफिट हुआ शेयर्स हैं कोई भी आपका असेट है एनी काइंड ऑफ असेट इज़ देयर इवन आपके कोई भी पेटेंट uh, हो गया है ना ट्रेडमार्कस हैं कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कोई भी आपका असेट है किसी भी तरह का फिजिकल है इंटेलेक्चुअल है उसकी अगर आप उसको सेल कर रहे हो उससे जो आपको प्रॉफिट हो रहा है मुनाफा हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं कैपिटल गेन उस प्रॉफिट को नाम दिया जाता है कैपिटल गेन अब जो आपका कैपिटल गेन होता है इस पर टैक्स लगाया जाता है गवर्नमेंट इस पर टैक्स लेती है है ना टैक्स आपका लेती है जिसे हम कहते हैं कैपिटल गेन टैक्स तो हुआ क्या 2006 के अंदर जो केयर्न आपका है ओके यूके की जो मेन ब्रांच है केयन वाली उसने अपने कुछ शेयर्स को क्या किया ट्रांसफर किया केयरन इंडिया के अंदर केयरन इंडिया उसी की ब्रांच हो गई उसके अंदर अपने शेयर्स को उसने ट्रांसफर कर दिया फाइन और शेयर आप ट्रांसफर कर रहे हो तो शेयर क्या है एक तरह का सेट है तो यहां से उसको कुछ जो भी प्रॉफिट हुआ कैपिटल गेन हुआ तो इनकम टैक्स इंडिया की इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने कहा कि आपको कैपिटल गेन हुआ है इतने करोड़ का लगभग पच्चीस हजार करोड़ का आपको कैपिटल गेन हुआ है मतलब आपको मुनाफा हुआ है तो इस पर आप टैक्स तो बनता है ना टैक्स तो देना पड़ेगा आपको केयर ने कहा कि नहीं हम टैक्स नहीं देंगे उन्होंने आई टी जो एपिलिटी ट्रिब्यूनल है इनकम टैक्स अपिलिटी ट्रिब्यूनल वहां पर दायर किया हार गई वो केस फिर इन्होंने क्या किया 2011 में केयर एनर्जी सोल्ड मेजोरिटी ऑफ इंडियन बिजनेस इंडिया में जो मेजोरिटी उसका बिजनेस था वो उसको बेचना स्टार्ट कर दिया ठीक है ना भाई हम यहां से छोड़ छाड़ के जा रहे हैं तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने इसकी सेल को रोक लिया एटलीस्ट टेन परसेंट जो सेल है उसको उन्होंने अलाउ नहीं किया उन्होंने कहा पहले आप ये हमारा टैक्स भर दीजिए जो आपने प्रॉफिट कमाया है उस पर जो टैक्स लग रहा है इसका आप हमें पेमेंट कर दीजिए फिर आपको जो करना है आप फ्री हो तो केर ने क्या किया केर ने यह केस जो है आपका वहां पर लेके गया परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाता है ये केस ओके परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन हॉक ट्रिब्यूनल भी इसे कहा जाता है यहां पे ये केस जाता है और ये जो है पी जो है ये कहता है कि नहीं आप इंडियन गवर्नमेंट ये जो टैक्स की डिमांड कर रही है वो सही नहीं है है ना किसके फेवर में डिसीजन चला जाता है आपका के के फेवर में डिसीजन चला जाता है क्यों क्योंकि आपका परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन क्या कहता है ये केवल टैक्स रिलेटेड इशू नहीं है इंडियन गवर्नमेंट ने कहा यार हम सोवरन कंट्री है हमें किस चीज़ पे टैक्स लगाना है नहीं लगाना है हम फ्री हैं तो ट्रिब्यूनल कह रहा है ठीक है आप फ्री हो लेकिन ये टैक्स रिलेटेड इशू नहीं है ये इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इशू है इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इशू है तो ये इन्वेस्टमेंट रिलेटेड आपका डिस्प्यूट है और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं वो बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रिटी इन्वेस्टमेंट ट्रिटी के अंडर में क्या है प्रोटेक्शन दिया जाता है जैसे इंडिया ने कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है यूके में तो उनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा फेयर ट्रीटमेंट किया जाएगा ताकि इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो चुके हो सकें अदरवाइज कोई वहाँ पे इन्वेस्ट ही नहीं करेगा इसी तरह से जो दूसरी एंटिटी जैसे यूके वाले इंडिया में कर रहे हैं तो उनको ये प्रोटेक्शन दिया जाता है किस तरह का प्रोटेक्शन दिया जाता है फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट कि आपके साथ में हम इक्वल ट्रीटमेंट करेंगे आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा क्लियर तो जो आपका पीसीए ये आर्बिट्रेशन जो कोर्ट है इसने किसके फेवर में दे दिया केएन एनर्जी के फेवर में इन्होंने ये डिसीजन दे दिया और यही सेम आपका रहा था वोडाफोन वाला आर्बिट्रेशन केस था उसमें भी ऐसा ही रहा था फाइन तो आ, फिर ये के एन एनर्जी आपका जीत जाता है है ना जीत जाता है केस आ, ये वन ये दिसंबर में आपका न्यूज़ था के एन एनर्जी विन द आर्बिट्रेशन अवार्ड ये आर्बिट्रेशन अवार्ड आपका दिसंबर 2020 में ये विन हो जाता है इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि हम दूसरे विकल्प तलाश रहे हैं ओके इसके अगेंस्ट में हम अपील करेंगे एट्सेट्रा जो भी है तो अब के एन एनर्जी ने क्या किया के एन एनर्जी ने आ, जो डिफरेंट कंट्रीज हैं जैसे यू एस है यू के है ओके यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कोर्ट्स के अंदर पाँच कंट्री हैं बेसिकली Uh, इज uh, okay, कर, तो कर लिया केन्स द नोड फ्रॉम यूएस एंड यूके फॉर दिस वन पॉइंट फोर बिलियन अवार्ड तो आप कहोगे सर इन कंट्रीज में आपका मतलब क्या फायदा यहां पर अगर इन यूके या यूएस के कोर्ट ने अगर इस अवार्ड को एक्सेप्ट कर लिया है यहाँ पे इन कोर्ट्स ने अगर इस अवार्ड को रिकॉग्नाइज कर लिया है कि हाँ आर्बिट्रेशन अवार्ड का ये जो 1.4 बिलियन डॉलर ये जो इंडियन गवर्नमेंट को दिया इंडियन गवर्नमेंट आपका केयर एनर्जी को देगी इतना पैसा है ना तो ये सही है तो इससे फ़र्क क्या पड़ रहा है इससे फर्क ये पड़ रहा है कि अब वहाँ पर जो भी इंडियन गवर्नमेंट के असेट्स हैं है ना जो भी इंडियन गवर्नमेंट के असेट्स हैं उनको ये क्या कर सकता है कोर्ट में जाके बोल सकता है कि इसको सीज करो और हमारा ये पेमेंट आप दिलवाओ है ना गवर्नमेंट हमें पे नहीं कर रही है तो ये आप जो असेट्स हैं गवर्नमेंट के इनको सीज करके आप हमें पेमेंट करो तो ये इन्होंने केस डाला फॉर सीजिंग द इंडियन असेट्स इन दोज कंट्रीज इन कंट्रीज में इंडिया के जो भी असेट्स हैं पब्लिक मतलब गवर्नमेंट के जो असेट्स हैं उनको सीज किया जाए ताकि हमें ये जो पैसा है इतना पैसा दिया जा सके फाइन तो अभी जो आज वाली जो न्यूज है ये मैंने आपको बैकग्राउंड क्लियर किया है पूरे इशू का आज वाली जो न्यूज़ है ये क्या है फॉर गेटिंग दिस वन पॉइंट थ्रू वन पॉइंट टू बिलियन डॉलर आर्बिट्रेशन के एन एनर्जी सूज एयर इंडिया इन द यू एस ए तो के एन ने क्या किया है एयर इंडिया को के ऊपर केस इस तरह से लगाया है क्यों लगाया है क्योंकि के एन कह रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है इंडियन गवर्नमेंट और एयर इंडिया के अंदर आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो क्योंकि ये पी एस यू है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है पब्लिक सेक्टर मतलब एक तरह से गवर्नमेंट की मेजोरिटी यहाँ पे होल्डिंग है तो गवर्नमेंट की ही कंपनी है तो गवर्नमेंट की कंपनी में और गवर्नमेंट में आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे ये इन्होंने रीज़न दिया है एज द स्टेट ऑन कंपनी एंड इज़ लेगली इन डिस्टिंक्ट फ्रॉम द स्टेट इट्स सेल्फ लीगली आप अगर बात करोगे तो स्टेट से अलग नहीं है एक ही इसको माना जाएगा इसलिए क्योंकि हम आपके इंडियन गवर्नमेंट से 1.2 बिलियन डॉलर मांग रहे हैं तो हम यहां से एयर इंडिया के असैट सीज किए जाएं। ठीक है ये बात कर रहे हैं द नॉमिनल डिस्टिंक्शन बिटवीन द इंडिया एंड एयर इंडिया इज इल्यूजरी एंड सर्व ऑनली टू एड इंडिया एंड इम प्रॉपरली शील्डिंग इट्स अ फ्रॉम क्रेडिटर्स इसे उस तरह से समझिए मान लीजिए आपने किसी को उधार दे दिया है ना आ, आपने ए, बी बंदे को उधार दे रखा है और ये बी बंदा आपका यू हैव दैट सौ करोड़ रुपए आप इससे मांगते हो है ना बी वाले बंदे से अब बी वाले बंदे की कोई कंपनी है और आप कहोगे कि यार इसके अंदर ये मेजोरिटी मतलब ऑनरशिप इसकी की है तो इस कंपनी के थ्रू हमें पेमेंट दिया जाए वो वाली बात है तो ये क्या पहली बार हो रहा है इस तरह की प्रैक्टिस की ये सीज कर लो गवर्नमेंट के एसेट्रा है ना क्या ऐसा सीज़ किया जा सकता है तो काफ़ी बार आप देखोगे कि किया जा सकता है जैसे वेनेजुएला के अंदर हुआ था वेनेजुएला की एक गवर्नमेंट की एक कंपनी थी ठीक है ना उसका कुछ ड्यू था अमेरिकन कंपनी को तो अमेरिकन कंपनी ने उस कंपनी के असेट्स सीज करने के लिए ये किया था फिर बाद में उस उसको जो स्टेट वाली कंपनी है उसको वो ड्यूज़ पे करने पड़े थे तो ये ऐसा नहीं है पहली बार इस तरह से हो रहा है ये सीज किए जा रहे हैं और डिमांड किया जा रहा है काफ़ी टाइम काफ़ी बार इस तरह से होता है आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है ये पूरा डिस्प्यूट क्या है के एन एनर्जी वाला कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एट्सेट्रा फाइन ये हमने पहले भी डिस्कस किया था जब न्यूज़ में था डिटेल में हमने इसको डिस्कस किया हुआ है डन ठीक है एंड देट वॉज द न्यूज भी डिस्कस इन दिसंबर सेशन ट्वेंटी फोर दिसंबर के सेशन में भी हमने इसको डिस्कस किया था जब वोडाफोन वाला केस था उससे इसको रिलेट किया गया था ओके रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स डिमांड की जा रही है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स सेशन मतलब आज जो आपका टैक्स है ना जैसे कैपिटल गेन टैक्स है तो इस तरह की ट्रांजैक्शन पे अगर आज के रूल्स के हिसाब से टैक्स नहीं लग रहा है और गवर्नमेंट को लगता है कि यार ये तो कोई गलती हो गई हमारा लूप होल था इन कंपनियों ने हमारे लूप होल का फ़ायदा उठा लिया है ना तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है एक लॉ बना देती है और कहती है कि इस तरह के एक्स वाई जेड ट्रांजेक्शन है उन पर टैक्स लगेगा तो लॉ आज, आज आज आपका बना है लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं दो के बाद जितने भी ट्रांजेक्शन है सब पे टैक्स लगेगा तो वो होते हैं रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन कि लॉ आज बना है लेकिन गवर्नमेंट ने कहा इस तारीख के बाद से मतलब पिछली डेट से आपका टैक्स लग सकता है तो वो थोड़ा रहता है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन वाला जो इशू है इस पर रहता ही है आपका डिबेटेबल इशू रहता है लेकिन हर कंट्री ऐसा करता है ना क्योंकि लूप होल हर सिस्टम में होते हैं कोई भी परफेक्ट नहीं होता इन लूप होल का जब कंपनियां फ़ायदा उठा लेती हैं गवर्नमेंट देखती है हमें टैक्स का नुकसान हो रहा है जो जेन्यून टैक्स हमारा बनता था उसका नुकसान हो रहा है तो फिर वो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन लाते हैं इसी तरह का केस आपका वोडाफोन के भी अंदर भी था और वोडाफोन वाला केस भी इंडिया हार गया था सुप्रीम कोर्ट में भी हार गया था और आगे भी हार गया था फ़ाइन तो ये आपका रहेगा वोडाफोन वाले केस में है आपको पैसा लेना है और यहाँ पे आगे सामने से देना है ठीक है ना इतना फ़र्क है चलिए सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे ओके आज का ये सेशन आपका फिनिश होता है ये सेशन आपका डेली बेसिस पे रहता है ये टेलीग्राम ग्रुप है जिसपे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं डेली बेसिस पे ये सेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं जहाँ पे हम इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर कर रहे हैं लाइक हिंदू इंडियन एक्सप्रेस वी आर कवरिंग ऑल द न्यूज़ इंक्लूडिंग द एडिटोरियल्स प्लस ऑल द रिलेवेंट न्यूज टाइमिंग इज़ अराउंड सेवन फिफ्टी एम इसी चैनल पे आपका रहेगा इसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा पीडीएफ के लिए और अदर इम्पॉर्टेंट क्लासेस के लिए जैसे आपके क्रैक प्रॉब्लम्स एम सीरीज़ की क्लास होती हैं तो जब भी आपकी क्लास होगी आज नहीं है क्लास जब भी क्लास होगी यहाँ पर लिंक आपका रहता है अगर आप अपना प्रॉब्लम्स में स्कोर बूस्ट करना चाह रहे हो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दीज क्लासेस रिकॉर्डेड क्लास आप ऑलरेडी देख सकते हो इसके अलावा आप क्या करेंगे जो नए बच्चे हैं वो थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे अभी ग्यारह बजे आपका एक टेस्ट होगा सिक्सटी मिनट सिक्सटी क्वेश्चन है ना उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है कॉम्बैट के नाम से है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आपके चैट बॉक्स में भी उसका लिंक दिया हुआ है तो उस पर आप क्लिक कर लीजिए उस पर क्लिक करके एनरोल करना है वो फ्री टेस्ट है आपका हर संडे को होता है फ्री टेस्ट है यूज़ द कोड आर बी लाइव उसको अनलॉक करने के लिए कोड का रिक्वायरमेंट होगा तो आर बी लाइव आप कोड यूज़ कर सकते हैं और ये स्कॉलरशिप टेस्ट आज आपका ग्यारह बजे है इसके अंदर आप पार्टिसिपेट करिए क्या फ़ायदा है अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो आप फ्री में अन अकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और अगर आप अपना परफॉर्मेंस इवेलुएट करना चाह रहे हो कि कहाँ पे हम स्टैंड कर रहे हैं इतने सारे बच्चों में तो वो भी एक है क्लियर आपको अगर डर लग रहा है प्रल्लिम्स के टेस्ट लिखने से तो भी आप यहाँ पर जा सकते हो चलिए फ्री टेस्ट सीरीज है इसका भी आप बेनिफिट ले सकते हो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट हैव अ ग्रेट डे कल कुछ बच्चों के क्वेश्चन थे कल का क्वेश्चन आंसर हाँ मैं कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ एंड प्लीज़ डू लाइक द सेशन ओके दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डू लाइक द सेशन एंड शेयर द सेशन विथ योर फ्रेंड्स एंड फेलो एस्पिरेंट्स ये आई एम टेकिंग कल आपका एक 150 फिफ्टी डेज स्ट्रेटजी पे क्वेश्चन हुआ था उसको हम ले लेते हैं एक 150 फिफ्टी डेज स्ट्रेटजी थी उसमें कुछ बच्चों ने अपने डाउट्स uh, रखे थे तो वो मैं डाउट ले रहा हूँ ज़्यादा तो नहीं है uh, एनी सोर्स ऑफ इथिक्स एंड एस ए है ना कुछ बच्चों ने कल डाउट पूछे थे एक आपका 150 फिफ्टी डेज स्ट्रैटेजी का सेशन था उसमें कुछ बच्चों के डाउट हैं इन डाउट्स को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ बच्चों ने पूछा था सर इथिक्स और एस ए के लिए आपने सोर्स नहीं बताया तो इसको ध्यान से सुनना इथिक्स और एस ए के लिए आपने सोर्स नहीं बताया देखिए एस का पेपर जो है ये भी टू मार्क्स का ही है

आपको कोई टॉपिक दिया आपको उस टॉपिक को एक्सप्लेन करना है सामने वाले बंदे को जैसे बता के तो उसी तरह से वही कम्युनिकेशन uh, स्किल आपकी राइटिंग में आनी चाहिए लिखकर भी आप सामने वाले को बता सको क्योंकि एग्जामिनर को आप वहां पे जाके तो बोलोगे नहीं कि हम देखो ऐसे ऐसे ऐसा है तो आपको वो वाली स्किल अपनी राइटिंग के अंदर लानी पड़ेगी राइटिंग के अंदर लानी पड़ेगी और राइटिंग में स्किल डेवलप करने का क्या तरीका है प्रैक्टिस ठीक है प्रैक्टिस करो कुछ दिनों तक कोई भी रैंडम टॉपिक ले लिया जैसे आज हम न्यूज पढ़ रहे हैं या कोई भी आपने न्यूज देख ली इसराइल फिलिस्तीन चल रहा है तो उस पर पे एक पेज लिखने की आदत डालो है ना कम से कम तीन सौ चार सौ वर्ड आप लिखने की आदत डालो उस पर कि अच्छा इसराइल फिलिस्तीन कन्फ्लिक्ट चल रहा है तो अभी रिसेंट में क्यों चला है दो लाइन उसकी है ना अलस का में इस तरह से हुआ है फिर आप लिखोगे कि नहीं बैकग्राउंड तो ऐसा ऐसा है ये तो एक छोटा सा इरीटेंट है है ना इसका बैकग्राउंड देखोगे तो इस तरह से है आपको पता भी है सारी न्यूज तो उसको आपने बैकग्राउंड लिया फिर अभी प्रेजेंट में जो एस्केलेशन हो रहा है उसको कैसे रोका जा सकता है फाइनल सॉल्यूशन क्या हो सकता है इस तरह से हर टॉपिक के अंदर ये आदत बना लो इस तरह से लिखने की उससे क्या होगा आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी इस पेपर को डील करने में ओवरऑल आंसर राइटिंग में भी हेल्प मिलेगी जो चारों जीएस के पेपर है तो आपको बारह नंबर के अंदर पूरा हेल्प मिल रहा है डेली पंद्रह मिनट की प्रैक्टिस है डेली आधा घंटा की भी प्रैक्टिस नहीं है मैक्सिमम आधा घंटा मान लीजिए या पंद्रह मिनट मान लीजिए तो ये एक आपको करना है ऐसा के अंदर कोई ऐसा किताब पढ़ के या ऐसा कुछ नहीं आप कर सकते हो बेसिक है कि यहाँ स्ट्रक्चर फॉलो कर लो पहले इंट्रोडक्शन होता है फिर बॉडी पार्ट होता है फिर कंक्लूज़न होता है इससे ज़्यादा कुछ नहीं है जितना आप पढ़ोगे है ना पढ़ के आप वो नहीं कर सकते आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी उसकी क्लियर और यहाँ पे विल पावर का बड़ा रोल आ जाता है विल पावर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो यू नीड टू नो दैट एज वेल विल पावर का आपका काफ़ी रोल यहाँ पर रहता है विल पावर इन दैट कॉन्टेक्स आई एम नॉट गेटिंग द नेम एक आपके रे uh, करके रे एम्बरी वॉज द नेम आई थिंक अमेरिका के एथलीट uh, रहे हैं है ना तो उनको बचपन में पोलियो था पोलियो था वो ब्रैकेट्स के थ्रू इस तरह से चलते थे और उन्होंने uh, जो है एट ओलंपिक मेडल्स जीते एट ओलंपिक मेडल्स जीते सो दिस इज़ द पावर जो आपका विल होता है जो आपका डिटर्मिनेशन है वो ये है स्किल्स है रिसोर्सेज हैं है, वो सब बात की बात है लेकिन जब आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे करना है क्योंकि तो यार एक पोलियो वाला बंदा जो ढंग से चल नहीं सकता वो आठ ओलंपिक गोल्ड जीत जाता है एथलेटिक्स uh, में ओके okay, वो भी ओलंपिक के अंदर और वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एथलीट वो रहे दिस इज़ ऑल अबाउट योर विल पावर दिस इज़ द थिंग इन योर माइंड ठीक है आप अगर दिमाग में सोच लेते हो मुझे ये चीज़ करना है डिटर्मिनेशन के साथ उसको जा रहे हो तो फिर चीज़ें आसान हो जाती हैं ठीक है ना परेशानियाँ सबको आती हैं ऐसा नहीं है कि आपको कोई ऑब्स्टिकल नहीं होगा लेकिन वो आप उनको डील करते जाते हो एक पॉजिटिव माइंड के थ्रू सो दिस इज़ द की हीयर एंड ये मैंने आपको इथिक्स uh, इसका सोर्स बताया है फाइन एस uh, का बताया इथिक्स के अंदर है इथिक्स में वैसे तो काफ़ी बुक्स आती हैं लेक्सिकन अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो पढ़ लीजिए सुबह आप थोड़ी लेंदी हो जाती है अगर आपको बहुत ही अच्छे से टाइम भी है आप बिल्कुल पढ़ रहे हो तो सुबहरा पढ़ लेते हो अदरवाइज आपका काम लेक्सिकन से भी हो रहा है और मैं एक बुक सजेस्ट करता हूँ एस चंदाना एस चंदाना ये बुक है ये ऐसी बुक है जिसने बिल्कुल नोट्स बना के आपके पूरे सिलेबस के ऐसा दे दिया है कि आप इस बुक को दो दिन तीन दिन में खत्म कर लोगे पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा और इस बुक को पढ़ के आराम से बच्चों ने 130 प्लस स्कोर किया हुआ है ये बुक पढ़ा है कुछ नहीं किया और एक्स्ट्रा ठीक है तो ये बुक आपका सफिशियंट है बहुत अच्छी बुक है लेकिन अभी अगर आपको नहीं मिल रही है लॉकडाउन के टाइम पे क्योंकि ऑनलाइन डिलीवरी भी नहीं हो रही है Uh, तो आप डेफिनेटली लेक्सिकन uh, पढ़ सकते हो या फिर जो अन की जो ट्वेंटी बुकलेट्स हैं उसके भी नोट्स बहुत अच्छे हैं हर टॉपिक पे अच्छे हैं वो अगर आपके पास एक्सेसिबल हैं वो भी आप पढ़ सकते हो और कौन सा डाउट है आपका रीड ऑल एन सी जे ठाकुर ने पूछा था कल एक वन फिफ्टी डेज स्ट्रेटेजी का सेशन था जो इसी चैनल पर अवेलेबल है क्या सारी एनसीआर पढ़ना जरूरी है आ, नहीं जरूरी नहीं है अगर आपको उस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम नहीं है अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप स्किप कर सकते हो है ना और जो नेसेसरी एनसीआरटीज हैं जो एक स्टैंडर्ड बुक की तरह आपको फॉलो करने की जरूरत है उन एन को आपको पढ़ना है सारी पढ़ने की जरूरत नहीं क्लियर सी सेट मार्क्स विल एड इन द यूपीएससी प्रॉब्लम्स नहीं सी सेट के मार्क्स एड नहीं होते हैं यूपीएससी में सी सेट केवल क्वालिफाइंग होता है और सी सेट को करने का सबसे अच्छा तरीका है पिछले तीन चार साल के पेपर ले लो पूरा पेपर सॉल्व करो आज पूरा किया फिर उसको एनालाइज़ करो कौन से कौन से टॉपिक पे रीडिंग कॉम्प्रिहशन में कम स्कोर आ रहा है या आपको रीजनिंग में दिक्कत आ रही है या क्वांट में दिक्कत आ रही है ठीक है कितना आप स्कोर कर रहे हो तो उन एरियाज़ पे थोड़ा सा वर्क कर लो फिर दो तीन दिन बाद पूरा पेपर सॉल्व कर लो तो ये बहुत ईजी है इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है रमेश सिंह में से कौन से चैप्टर हम स्किप कर सकते हैं इसके लिए तो पूरा एक अलग सेशन चाहिएगा ओके सो दिस इज़ ऑल ये मैंने आपके कुछ डाउट्स ले लिए हैं अभी आपका कोई डाउट है तो बता दीजिए 50% परसेंट सॉल्व पेपर बट स्कोरिंग नॉट मोर देन 50 मार्क्स तो देखो पहली बात तो ये है कि आप अपना सिलेबस कंप्लीशन करो है ना 50% अगर आपके 50 मार्क्स आ रहे हैं सिलेबस कंप्लीट नहीं है आपका इंटरनल सिक्योरिटी के मेजर जो टॉपिक्स हैं आ, ऐसा कुछ बुक तो नहीं है ना करंट अफेयर से आते हैं जनरल नक्सलिज्म पे साइबर सिक्योरिटी पे करंट अफेयर से हो जाता है एज सच बुक आई डोंट नो एनी सच बुक इज देयर हाउ एवर द नोट्स अगेन द नोट्स थिंग इज वेरी एक्सीलेंट इन एवरी सब्जेक्ट या मोर देन इनफ वन ईयर इज़ मोर दैन इनफ आंसर राइटिंग के, के लिए क्या करें जो मैंने ऐसे के लिए आपको बताया ना इसको आंसर राइटिंग में भी हेल्प करेगा सारे पेपर्स में हेल्प करेगा ये ठीक है दिस इज़ ऑल अबाउट कि आप कितना डिटर्मिनेशन है कि आप उसको डेली बेसिस पे कर सकते हो आधा घंटा आप लिख सकते हो किसी एक टॉपिक पे जैसे इसराइल फ़िलस्तीन पर आज लिखने की कोशिश कीजिए हाँ आ, या फिर आज आप किसी भी टॉपिक पर लिख दो यार कितनी न्यूज़ चलती रहती है अभी कोरोना के केसेज बढ़ रहे हैं इस पर लिख दो बच्चों को वैक्सीन दिया जाएगा इस पर लिख दो क्यों वैक्सीन स्ट्रेटजी जो है क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं कुछ भी आप लिख सकते हो आपके आसपास में कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया है ना कोई वायलेंस है या कुछ अच्छा हो रहा है उस पर आप लिख दीजिए दोनों ऋतिक पूछ रहे हैं हिंदू इंडियन एक्सप्रेस दोनों पढ़ सकते हैं पढ़ सकते हो लेकिन आपके पास इतना टाइम होना चाहिए ठीक है ना और अगर आप दो तीन घंटे न्यूज़पेपर ही पढ़ रहे हो दैट इज़ अगेन नॉट अ गुड थिंग पब्लिक ऐड के लिए बुक बता दीजिए यू uh, हैव दैट मोहित भट्टाचार्य सर की बुक है एक पेपर टू के लिए फादिया एंड फादिया आती है उसके लिए आप अपने गूगल पे कोई भी टॉपर है उसको सर्च कर सकते हो डी एन ए पी डी एफ इज इनफ आप न्यूज पेपर पढ़ने की आदत डालिए देखिए ये जो सेशन हम करते हैं डेली बेसिस पे इससे क्या है आपको पता चल रहा है कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट है उस न्यूज से क्या हमें पूछा जा रहा है है ना यूपीएससी के लिए उस न्यूज से क्या इंपॉर्टेंट है तो अब आपको धीरे धीरे जब आइडिया लगने लग गया तो पेपर की रीडिंग आप कर सकते हो ना क्योंकि फाइनल पर्पस यही है कि आपको एम्पावर किया जाए आपको इतना एबल बनाया जाए कि आप अपने लेवल पे आधा घंटे में पेपर फिनिश कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल अगर पाँच छः सात आठ एडिटोरियल हैं तो आपको पता चले हाँ यार ये एडिटोरियल मेरे काम का है इसको मुझे पढ़ना चाहिए इसको मैं स्किप कर सकता हूँ या एक ही टॉपिक पर बार बार है कोई एडिटोरियल आ रहा है कोई आर्टिकल आ रहा है उसको मैं स्किप कर सकता हूँ सो यू नीड टू डेवलप दैट थिंकिंग ठीक है दिस इज़ द पर्पज अगेन ऑफ दिस सेशन और डेफिनेटली यहाँ पे हम जो कर रहे हैं दैट इज़ मोर देन ऑफ़ जियोग्राफी ऑप्शनल अगेन यू हैव देट सविंदर सिंह खुल्लर माजिद हुसैन सर ये मेजर बुक्स हैं सो दिस इज़ ऑल वी आर रेपिंग अप दिस सेशन कंसिस्टेंसी के लिए क्या करोगे कंसिस्टेंसी के लिए कोई ऐसा जड़ी बूटी तो है नहीं क्योंकि okay, कोई अब की ऐसी मेडिसिन तो बन नहीं रही है या कोई ऐसा वैक्सीन डेवलप हो नहीं रहा है कंसिस्टेंसी डब डिपेंड करती है आप कितना डेडिकेटेड हो अपने एग्ज़ाम के लिए अपने गोल के लिए आपके अंदर कितनी विल पावर है ओके okay, कितना हार्ड वर्क आप दे सकते हो कितना सेक्रीफाइस आप कर सकते हो अपने गोल को अचीव करने के लिए ठीक है इम्पॉसिबल जैसी चीज़ तो कुछ होती नहीं है जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया एक बंदा जो कि चल नहीं सकता है पोलियो से है और वो आठ ओलंपिक के मेडल जीत जाता है ठीक है तो फिर आपके लिए, क्या इम्पॉसिबल रह गया फिर वर्ड के अंदर नो सच थिंग दैट इज़ इम्पॉसिबल फ़ाइन तो अपने आप को मोटिवेट करके रखो स्किल जो है सेकेंडरी है ओके okay? आपका जो डिटर्मिनेशन विल पावर है वो आपका प्राइमरी है आपका फोकस है अगर आपने सोच लिया वो सबसे बड़ी चीज़ है बाकी सब चीज़ें अपने आप आती हैं स्किल भी डेवलप होती है बच्चे क्या करते हैं स्किल को ऑब्स्टेकल बना लेते हैं है, है ना मुझे आंसर राइटिंग नहीं आती है मेरे प्रीमियम नंबर कम ही आते हैं उसको इतना बड़ा आगे बना लेते हैं कि आगे कुछ दिखता ही नहीं है तो वो चीज़ आप पीछे रखिए अपने गोल को आगे रखो ठीक है वो अपने आप आपका क्लियर हो जाएगा चलिए दिस इज़ ऑल अगेन लेट मी रिमाइंड यू ये स्कॉलरशिप टेस्ट है लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है चैट बॉक्स में भी है उस पर आप क्लिक कर सकते हैं एनरोल कर सकते हैं फ्री रजिस्ट्रेशन है यूज़ द कोड आर बी लाइव फॉर दिस फ्री रजिस्ट्रेशन ये सेशन जो है आपका डेली बेसिस पे होता है टाइमिंग इज़ सेवन फिफ्टीन सेवन फिफ्टी ए एम इज़ द टाइमिंग All the best, have a great day, stay safe.